हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रनवे टेक्नोलॉजी। गाइस, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हाउ टू डिलीट मल्टीपल फेसबुक पेज, कि हम एक से ज़्यादा फेसबुक पेज को कैसे डिलीट करें। तो गाइस, चलते हैं सबसे पहले फेसबुक पे और देखते हैं। तो मैं गूगल क्रोम में जाके टाइप कर रहा हूँ facebook.com। जैसे मैंने टाइप किया, आप देख सकते हो मेरा फेसबुक पेज ओपन हो गया। देख सकते हो मेरा प्रोफाइल पिक्चर भी है। फिर मैं आपको पेज पे लेके चलता हूँ। तो मैं यहाँ से सी मूव कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरे इतने सारे पेज बने हुए हैं। तो मुझे ये वाले पेज को डिलीट करना है, तो इसके लिए सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जैसे जा रहे हो, फिर इसके बाद आपको जाना है रिमूव पेज। यहाँ पे देख सकते हो परमानेंटली डिलीट पेज, देन डिलीट, देन ओके। अब देख सकते हो ये पेज मेरा वन टाइम में ही डिलीट हो गया है। अब सेम मुझे इस पेज को भी डिलीट करना है, तो इसके लिए फिर मुझे उस पेज पे जाना है, फेसबुक पेज पे, और फिर सेटिंग में जाना है। फिर इसके बाद डिलीट योर पेज या परमानेंट डिलीट योर पेज, देन डिलीट। देख सकते हो गाइस, ये भी मेरा पेज डिलीट हो गया है। अब मैं तीसरे पे जाता हूँ, चलते हैं तीसरे पेज पे, प्रिंस एंटरप्राइजेस। देख सकते हो इसमें कुछ कंटेंट है। फिर मुझे सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाके मुझे डिलीट योर पेज पे क्लिक करना है। यहाँ से परमानेंट डिलीट प्रिंस एंटरप्राइज सेलेक्ट करना है, डिलीट, देन ओके। अब देख सकते हो ये भी पेज डिलीट हो गया। अब मुझे इस पे जाना है, इसको भी डिलीट करना है मुझे। सेम आप यहाँ से सेटिंग सेलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ से डिलीट योर पेज, देन डिलीट। ये भी अब पेज डिलीट हो गया है। फिर चलते हैं हम दूसरे पेज पे। मुझे ये पेज भी डिलीट करना है। इसके लिए मैं सेटिंग में जा रहा हूँ। सेटिंग में जैसे गया, फिर यहाँ से मैं डिलीट, परमानेंट डिलीट सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। ये भी देख सकते हो, ये भी पेज मेरा डिलीट हो गया। यहाँ से मैं ओके कर रहा हूँ। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट वन पे। सबसे पहले इस पर चलते 7870 प्रिंस पे, फिर क्लिक करता हूँ। फिर सेटिंग में जा रहा हूँ। फिर यहाँ से डिलीट योर पेज, देन परमानेंट डिलीट। ये भी देख सकते हो, ये भी पेज डिलीट हो गया है। कुछ ऐसे पेज हैं जहाँ डिलीट होने के लिए कुछ टाइम आपको देगा फेसबुक, कि अगर आप जब भी चाहते हो तो फेसबुक पेज को रिकवर कर सकते हो। तो चलो मैं दिखाता हूँ। फिर मैं क्लिक कर रहा हूँ दूसरे पेज पे, कंफर्म कर रहा हूँ, फिर ओके कर रहा हूँ। मैं फिर से आपको ट्राई करके दिखाता हूँ डिलीट करके। तो मैं ऐसे सेटिंग में जा रहा हूँ, डिलीट योर पेज। तो मैं यहाँ से डिलीट पेज पे क्लिक कर रहा हूँ। फिर मुझे 14 डेज के लिए मुझे वेट करना पड़ेगा। जब मैं वेट करूँगा तो फिर इसके बाद ये डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि बेसिकली इसमें बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं जो ये फेसबुक बोल रहा है कि आप इसको डिलीट नहीं कर सकते हो। अब इस समय आप डिलीट नहीं कर सकते हो, आपके पास 14 डेज के लिए टाइम मिलता है। तो आप जब चाहें तो अपने फेसबुक पेज को रीस्टोर कर सकते हो। अगर आप रीस्टोर नहीं करते हो तो ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो मैं यहाँ से ओनली डिलीट पेज पे, प्रिंस जो है मेरा पेज, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। मैं डिलीट पेज पे जा रहा हूँ। पेज डिलीट नहीं हुआ है, मैंने ट्राई भी किया था। ये 14 डेज का इसको भी टाइम है। फिर मैं इसको देखता हूँ क्लिक करके। फिर क्या, फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट वन पे जा रहा हूँ। एक बार मैं इसको डिलीट करके देखता हूँ ये क्या डिलीट होने देता है।
क्या फेसबुक वाले डिलीट करने दे रहे हैं या नहीं, वो देख लेते हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं कि इसमें बहुत सारे कंटेंट हैं, तो आई थिंक इसे डिलीट नहीं करने देगा। तो मैं वो ट्राई करता हूँ, देखता हूँ ये डिलीट होता है या नहीं होता। इससे भी डिलीट नहीं करने देगा ये। अब इसमें भी देखते हैं कि 14 डेज़ तक आप रिस्टोर कर सकते हो पेज को, तो आई थिंक इससे भी 14 डेज़ तक अगर हम डिलीट नहीं करेंगे तो ये भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। अगर हम कैंसिल करते हैं तो ये पेज रहेगा। ठीक है, वो बोलता है कभी भी आपका माइंड चेंज हो सकता है, तो आप पेज रखना चाहोगे अगर अभी आप डिलीट करते हो तो फिर बाद में आप रिकवर नहीं कर सकते पेज। गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए। और गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय, सी यू।